पैदा करने वाले प्लांट में कम कोयला स्टॉक को देखते हुए सरकार के मालिकाना हक वाली कोल इंडिया यानी CIL ने अपनी सहायक कंपनियों को स्थिति के सामान्य होने तक बिजली क्षेत्र के लिए विशेष फॉरवर्ड ई नीलामी को छोड़कर कोयले की कोई और ई नीलामी करने से मना किया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बिजली संकट की रिपोर्ट के मद्देनजर घटते कोयला स्टॉक को फिर से भरने के लिए बिजली क्षेत्र में कोयले की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। कोल इंडिया ने कहा कि बिजली संयंत्रों में कोयले की स्थिति को बनाए रखने के लिए अस्थायी तौर पर यह कदम उठाया गया है। इसका मतलब ई नीलामी प्रक्रिया को रोकना नहीं है। कोल इंडिया उत्पादन और आपूर्ति को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे ही कोयला पहले के सामान्य स्तर पर पहुंचता है और बिजली संयंत्रों को इसकी लगातार आपूर्ति होने लगती है, वैसे ही अन्य क्षेत्रों में भी कोयला सप्लाई करना शुरू कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की बढ़ती कीमतों के कारण घरेलू बाजार में कोयले की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण से हाल के दिनों में कई क्षेत्रों में कोयला आपूर्ति बाधित हो रही है। बिजली क्षेत्र के लिए विशेष फॉरवर्ड ई नीलामी के तहत CIL ने कोयला आवंटन चालू वित्तीय वर्ष अप्रैल से अगस्त अवधि में 8.4% से बढ़कर 7.94 मिलियन टन दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।